वेलकम बैक टू दिस चैनल गाइस। तो अगेन मैं आपके लिए एक और GTA 5 ग्राफिक मोड्स पैक आपके लिए लेकर आ चुका हूं। तो गाइस वीडियो को पूरा एंड तक देखना, इसमें आपको इंस्टॉलेशन बताने वाला हूं और सब कुछ आपको बताने वाला हूं कि रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या है। जल्दी से वीडियो को लाइक करें, अगर चैनल पर नए हो तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कीजिए गाइस। तो गाइस सबसे पहले हम बात करते हैं आपके एंड्रॉयड की रिक्वायरमेंट्स की गाइस। तो आपके पास जो है एंड्रॉयड फ़ोन है, अगर 1 GB तक आपके पास स्पेस होनी चाहिए और एंड्रॉयड वेरिएंट की बात करें तो किट कैट के ऊपर आपका एंड्रॉयड वेरिएंट होना ज़रूरी है गाइस। उसके बाद आपको 1 GB रैम 2 GB रैम है तो हो सकता है लाइक करें, लेकिन टेंशन की कोई बात नहीं गाइस। मैं आपको वीडियो के एंड पे एक बोनस टिप देने वाला हूँ जिसकी मदद से आपका जो है गेम प्ले बहुत ही स्मूथ चलने वाला है। इवन कि अगर आके आपके पास जो है एंड्रॉयड वेरिएंट जो है और उसकी जो रैम है वो कम है तो इसमें आपको बहुत ही ज़्यादा यूनिक कार देखने को मिल जाएगी, फुल वेजिटेशन कलरफुल देखने को मिल जाएंगी, HD रोड देखने को मिल जाएगी गाइस, 4K स्काई बॉक्स आपको देखने को मिलने वाला है। तो रिकमेंड यही करूँगा जल्दी से इसे डाउनलोड करो और अपने मोबाइल में खेलो, लेकिन वीडियो देखने के बाद। इसमें आपको प्रीमियम कार, लग्जरी कार और मॉन्स्टर ट्रक जैसे बहुत ही कार्स आपको मिलने वाली हैं। तो बिना वेस्ट किए टाइम जल्दी से हमारे प्ले स्टोर पे आते। तो सबसे पहले गाइज आपने जाना है प्ले स्टोर पर, यहाँ पर सर्च करना है, ऐप का नाम है CPU Z गाइज। ये ऐप जो है बेसिकली आपका जो GPU है उसके रिलेटेड आपको इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड करती है और यही चीज़ हमने इसमें चेक करनी है। 50 मिलियन ऑलरेडी इसके डाउनलोड से आप चेक कर सकते हैं, यहाँ पर 50 मिलियन तक आ रहा है और यहाँ पर आप देख सकते हैं कुछ स्क्रीनशॉट्स हैं इसको, इसको इंस्टॉल होने देते हैं गाइज। तो ये बहुत ही ज़रूरी है गाइज, अगर आपने ये नहीं किया तो आपको पता नहीं चलेगा कि आपके एंड्रॉयड में GPU कौन सा इंस्टॉल है और GPU अगर आपको नहीं पता तो गेम आपको क्रैश करेगा, चलेगा नहीं। और यहाँ पर इसको लोड होने देते हैं और यहाँ पर मेरी स्क्रीन तकरीबन लोड हो गई है और यहाँ पर हमने नीचे आना है और यहाँ पर लिखा हुआ है, जहाँ पर लिखा हुआ है GPU रेंडरिंग, ये मैं आपको दिखा रहा हूँ, यहाँ पर मेरा माली लिखा हुआ है, आपका कुछ और भी लिखा हो सकता है। उसके बाद आपने ये वाला फोल्डर कॉपी कर लेना है और इसको आपने पेस्ट कर देना है आपने एंड्रॉयड वाले फोल्डर में, वो मैं अभी आपको चेक करा देता हूँ। एंड्रॉयड यहाँ पे आना है, डेटा में आना है और यहाँ पर आपने इसको लाकर पेस्ट कर देना है गाइस। उसके बाद आपने APK इंस्टॉल कर लेना है और आपका जो है मोड पैक वो 100% इंस्टॉल हो जाएगा। उसके बाद जो बोनस टिप की बात करते हैं जो मैंने आपको बताया था, उसके लिए यहाँ पर आपको आ जाना है ऑप्शन में और उसके बाद यहाँ डिस्प्ले सेटिंग में आ जाना है। यहाँ पर अगर आपका जो है ना एंड्रॉयड की अच्छी रैम है, अच्छी स्पेस है तो उसके लिए आपने सेटिंग ये वाली कर लेनी है जो मैं आपको भी स्क्रीन पर दिखा रहा हूँ। यहाँ पर आपने इसको शेडोज़ को भी कर लेना है, एडवांस कर लेना है, कार रिफ्लेक्शन को मैक्स कर लेना है अगर आपके पास हाई डिवाइस है तो। अगर आपके पास लो डिवाइस है गाइस तो उसके लिए आपको ये सेटिंग कर लेनी है, यहाँ पर कार रिफ्लेक्शन को लो कर लेना है, शेडोज़ को कर लेना है, क्लासिक पे कर लेना है और यहाँ पर विजुअल इफेक्ट को हाई भी कर सकते हैं और मीडियम भी रख सकते हैं। तो फिलहाल मेरे पास जो एडवाइस है वो हाई है तो यहाँ पर मैं सब कुछ मैक्स मैक्स कर रहा हूँ। उसके बाद यहाँ पर ये जो बेसिक सेटिंग है अपने ट्रैफिक वगैरह ये सारी अपने कार्डिंग चेक कर लेनी है कैसे कैसे करनी है, मैं यहाँ पर फिलहाल ऐसे कर रहा हूँ। उसके बाद आपने क्या करना है और इसमें कुछ खास नहीं है करने को, रिसम वाले बटन पर क्लिक करना है और